इस फिल्म की शुरुआत होती है एक खूबसूरत सी लड़की विनी से। फिलहाल वो अपने घर के पार्क में लेटी हुई है। उसकी उम्र महज 15 साल है, पर वो लोगों से खफा खफा रहती है। उसे हर चीज़ से शिकायत है। वो अपनी लाइफ में खुद की चॉइसेस बनाना चाहती है, खुद की ज़िंदगी खुद की तरह से जीना चाहती है। दौर चल रहा है 1914 का। इस कहानी में दो भाई भी हैं, जेसी टक इसमें से एक है और दूसरा है माइल्स। दोनों भाई फिलहाल अपनी मदर से मिले हैं। इधर हम विनी को देखते हैं जिसकी ग्रैंडमा घर के अंदर उसे बुलाती हैं। विनी हमसे बातें करते हुए कहती है कि अगर मेरा बस चले तो मैं अपना नाम बदल दूं। हर किसी के जवाब पर आसानी से चढ़ जाए, मुझे ऐसा नाम नहीं चाहिए। विनी घर के अंदर जाती है, पियानो बजाना शुरू करती है। इधर हम टक की फैमिली को देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स से कह रहे हैं कोई उन्हें फॉलो करता रहता है। उसके फादर ये सुनकर सरप्राइज होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर टक अपनी बात पर अड़ा है। उसके फादर कहते हैं कि तुम अजनबियों से दूर रहना। एक शाम वो अजनबी विनी के घर के गेट पर पहुंचा है। विनी से भी वो बातें कर रहा है। इतने में विनी की मदर आकर विनी को डांटते हुए ले जाती है। वो कहती है कि यूँ अजनबियों से बात करना ठीक नहीं है। विनी जब खेलने जाती है तब भी उसकी मदर उसे रोक लेती है। विनी को अपनी ज़िंदगी में जीने की आज़ादी नहीं है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि विनी के पेरेंट्स उससे कह रहे हैं हम तुम्हें एडुकेशन के लिए दूर भेजना चाहते हैं, इसे तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। पर विनी को ये बात पसंद नहीं आई। वो कहते हैं कि उसे बाकी लड़कियों के जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी। वो यहाँ से भागती है। भागकर वो जंगल में पहुँची है। इत्तेफाकन यहाँ टक है जो कि एक पेड़ के नीचे से पानी पीने की कोशिश कर रहा है। जब विनी को देखता है तो उसे पूछता है कि क्या तुम रास्ता भटक गई हो। विनी इसका जवाब हाँ में देती है। टक उसे वापस उसे घर की तरफ छोड़ना चाहता है, पर विनी नहीं जाना चाहती। उसको ये जंगल अच्छा लग रहा है। वो पानी पीने को जाती है पर टक उसे रोक लेता है। इतने में टक का भाई माइल्स यहाँ आया है। वो विनी को घोड़े पर ज़बरदस्ती बिठाता है और उसे अपने घर की तरफ लाया है। माइल्स की इस हरकत पर उसकी माँ नाराज़ होती है। माइल्स बताता है कि ये लड़की फोस्टर फैमिली की इकलौती औलाद है। माइल्स की माँ विनी को अश्योर करती है कि विनी को यहाँ कोई खतरा नहीं है, किसी से भी नहीं। थोड़ी देर बाद माइल्स के फादर यहाँ पहुँचे हैं। ये फैमिली विनी को डिनर कराती है। विनी माइल्स के फादर ऑंगस से कहती है कि मेरे फादर आपको मनचाहे पैसे दे सकते हैं, आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ऑंगस कहता है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हम तुम्हें वापस भेज देंगे जब हमें तुम पर ट्रस्ट हो जाएगा। इधर हम विनी के फादर को देखते हैं जो कि विनी की तलाश में लगे हैं। ये उस अजनबी शख्स को अपॉइंट करते हैं विनी को ढूंढने के लिए। इधर विनी को टक की मदर ड्रेसअप करती है। विनी की तलाश में यहाँ के सारे ऑफिसर्स को लगा दिया गया है। सारे जंगल में विनी को छानबीन कर रहे हैं। टक विनी के पास जाता है। वो कहता है कि वो उसे एफिल टावर दिखाएगा। विनी ये सुनकर एक्साइटेड होती है। दोनों जंगल के एक हिस्से में पहुँचते हैं। यहाँ टक पहाड़ों को दिखाता हुआ कहता है कि ये है मेरा एफिल टावर। दोनों इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं। अंत में दोनों इस पर चढ़ ही गए। यहाँ की ऊंचाई पर चढ़कर विनी कहती है कि एफिल टावर भी इतना खूबसूरत नहीं हो सकता। यहाँ से हर तरफ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। धीरे धीरे विनी को यहाँ दिन पर दिन और अब महीने बीत गए हैं। टक उसे जगह जगह ले जाकर जंगल की खूबसूरती दिखाता है, यहाँ के जानवरों से मिलाता है। टक अब सब कुछ भूल गया है, उसे सिर्फ विनी का ख्याल रहता है। दोनों साथ में यहाँ के जंगल में खेलते हैं, दौड़ते हैं, गिरते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं। दोनों एक झरने के पास जाते हैं। ट्रक यहाँ इस झरने के पास कूद जाता है। विनी को स्विमिंग नहीं आती, इसलिए वो यहाँ से कूदने से इनकार कर देती है। ट्रक कहता है कि वो उसे संभाल लेगा। ट्रक के इस आश्वासन पर विनी भी पानी में कूदती है। इसके बाद दोनों यहाँ साथ में नहाते हैं। पर अभी तक इस कहानी में डिस्क्लोज नहीं हुआ कि आखिर इस फैमिली ने विनी को किडनैप क्यों किया है। उन्हें पैसे नहीं चाहिए तो आखिर उन्होंने उसे यहाँ रखा क्यों है। वो विनी से कौन सा भरोसा चाहते हैं। धीरे धीरे यहाँ शाम होती है। रात को यह आग जलाकर एंजॉय करना शुरू करते हैं। टक पत्थरों को बजा रहा है जबकि विनी उस म्यूजिक पर नाच रही है। अब विनी टक को पसंद करने लगी है। वो कहती है कि अब वो यहाँ से नहीं जाना चाहती, यहीं रहना चाहती है। वो हमेशा अब टक के पास रहना चाहती है। इधर वो अजनबी विनी को ढूंढता हुआ जंगल के इस हिस्से में पहुंचा है। टक विनी से कहता है कि जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तब तुम उस ओक ट्री के नीचे से पानी पीने जा रही थी और मैंने तुम्हें रोक लिया था। मैं आज तुम्हें उसके सीक्रेट के बारे में बताना चाहता हूँ, पर उसके पहले मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ। विनी यहाँ टक को किस करती है और कहती है कि मैंने आज तक ये सब किसी के साथ नहीं किया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अब टक को भी विनी पर भरोसा हो गया है। वो उस राज को बताना शुरू करता है जिसे टक की फैमिली ने सदियों से छिपा कर रखा है। टक कहता है कि मेरी उम्र वास्तव में 107 साल है, पर मैं हमेशा 17 साल का ही रहूँगा, तब तक जब तक कि ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। विनी को ये जानकर सरप्राइज हुआ है। भला ऐसा कैसे संभव है।
टक कहता है कि जंगल में जो वो ओक ट्री है उसके नीचे का पानी पीकर कोई भी अमर हो जाता है। जो भी उस पानी को पीता है वो बूढ़ा नहीं हो सकता, ना ही उसे कोई इंजरी होती है और ना ही उसे कोई मार सकता है। जब टक ये सीक्रेट सुना रहा है तब यहाँ माइल्स पहुँचा है। वो टक पर गुस्सा होता है इस सीक्रेट को ओपन करने के लिए, पर सच्चाई तो यह है कि माइल्स भी इस अमरता से परेशान है। ये ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहते। माइल्स कहता है कि अमर होना एक अभिशाप है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कैसे इस फैमिली ने ओक ट्री के नीचे के पानी को पी लिया था और फिर ये अमर हो गए। एक बार तो टक पेड़ से भी गिरा पर उसे कुछ भी नहीं हुआ, कहीं कोई चोट नहीं आई। टक को एक बार रैटल स्नेक ने भी काट लिया था पर टक को कुछ भी नहीं हुआ। वो 107 साल का हो चुका है और ज़िंदा है। माइल्स बताता है कि कैसे उसने शादी की, उसका बीवी हुआ, पर जब उसने इस सीक्रेट के बारे में अपनी पत्नी को बताया तब उसकी वाइफ बच्चों को लिए यहाँ से चली गई। वो अमर नहीं होना चाहती थी। बेचारा माइल्स इस अमरता के अभिशाप के साथ जिंदा है। माइल्स की वाइफ और बच्चे मर चुके हैं। माइल्स को इस बात का गम है। ये सब जानकर विनी काफ़ी इमोशनल है। अगली सुबह टक की फैमिली विनी से कहती है कि उनके अलावा इस दुनिया में सिर्फ विनी को ही ये सीक्रेट पता है। एंगस विनी को नाव पर अकेले में ले जाता है। वो कहता है कि हम एक पत्थर के समान हैं, हम कभी नहीं मरेंगे, पर तुम उस ट्री से दूर रहना और किसी को भी मत बताना। लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, इसके पानी को पियेंगे और अमर होने की कोशिश करेंगे, पर बाद में ये उनके लिए अभिशाप बन जाएगी। विनी कहती है कि वो भी कभी नहीं मरना चाहती, अमर होना चाहती है। एंगस उसे समझाता है कि मरना सर्कल का हिस्सा है, तभी तो उसे नई लाइफ मिलेगी। एक ही लाइफ तो अभिशाप बन जाती है। इन दोनों के समय अजनबी शख्स देख रहा है। वह विनी के पेरेंट्स के पास पहुंचा है। वो विनी के फादर से डील करता है, मैं आपकी विनी आपको लाकर दे सकता हूँ, मुझे बस बदले में ये सारा जंगल चाहिए। मजबूरन विनी के फादर ने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया है। वो शख्स अब टक की फैमिली के पास पहुँचा है और बताता है कि उसने अपनी दादी माँ से उस ओक ट्री के बारे में और इस फैमिली के बारे में सुना था जो कि उसका पानी पीकर अमर हो गए थे। वो टक और उसकी फैमिली को फोर्स करता है उस ट्री के पास ले जाने के लिए। उसकी ख्वाहिश है कि वो वहाँ का पानी पीकर जवान हो जाएगा और अमर भी हो जाएगा, और इसके बाद वो विनी से शादी कर लेना चाहता है। वो विनी के माथे पर गन रखकर टक की फैमिली को ब्लैकमेल करता है, पर टक की मदर राइफल के वार से उसे मार देती है। इतने में यहाँ विनी के फादर यहाँ के ऑफिसर्स के साथ पहुँचे हैं। टक की फैमिली यहाँ से भाग रही है। विनी भी यहाँ से जाना चाहती थी पर टक और उसकी फैमिली जाने लगे, पर इतने में ये सभी पकड़े गए। अब विनी अपने घर पहुँच चुकी है। वो कहती है कि उसे किसी ने किडनैप नहीं किया, वो तो अपनी इच्छा से उनके साथ रह रही थी। एंगस और उसकी वाइफ को जेल हुई है। एंगस की वाइफ को हत्या के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई गई है। दोनों फिलहाल जेल में हैं। इधर विनी रात को सोने की कोशिश कर रही है। इतने में टक उसके पास आया है। वो कहता है कि अपने पेरेंट्स को छुड़ाने के लिए उसे विनी की हेल्प चाहिए। वो विनी से कहता है कि उसकी मदर को जब ये फांसी पर चढ़ाएंगे तब वो मरेगी नहीं, और इस तरह उसकी फैमिली का सीक्रेट जग जाहिर हो जाएगा। विनी कहती है कि किसी भी तरह ये सीक्रेट हम बाहर नहीं आने देंगे। विनी कॉन्स्टेबल के पास जाकर प्रटेंड करती है कि उसके पेरेंट्स डेंजर में हैं, दो लोग उन्हें मारना चाहते हैं। कॉन्स्टेबल राइफल लेकर बाहर जाता है। माइल्स और टक यहाँ कॉन्स्टेबल के सामने आते हैं। कॉन्स्टेबल उन पर गोली चलाता भी है पर दोनों में कोई भी मरा नहीं। कॉन्स्टेबल को लगा कि ये दोनों भूत हैं और यहाँ से भाग गया, जबकि विनी ने टक के पेरेंट्स को छुड़ा लिया। टक माइल्स और उसके पेरेंट्स यहाँ से जा रहे हैं। विनी टक से कहती है कि उसे बहुत प्यार करती है, वो भी उसके साथ ही रहना चाहती है। टक कहता है कि अगर उसे वाकई में उसके साथ रहना है तो उसे उस ट्री से पानी पीकर अमर होना होगा। एंगस विनी को वॉर्न करता है। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हमारे साथ तुम्हें भी खतरा है, तुम्हारी भी छानबीन की जाएगी। टक प्रॉमिस करता है कि जैसे ही विनी वो पानी पी लेगी टक उसे वापस मिलने उसी जंगल में आएगा। इसके बाद ये फैमिली चली गई, विनी अकेली रह गई। उसके सामने बड़ी दुविधा है, वो क्या करे, क्या उसे भी टक की तरह अमर हो जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद विनी की ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है। विनी बहुत इमोशनल होती है। बाद में वो अपनी मदर को गले से लगाती है और कहती है कि उसे अब मौत से डर नहीं लगता। कुछ दिनों के बाद विनी उस पेड़ के नीचे पहुंची है। उसे एंगस की बात याद आती है कि ज़िंदगी में जितने भी गम हैं उससे भी ज़्यादा दुख हमेशा ज़िंदा रहने का है। ज़िंदगी जितनी है उसी को पूरी शिद्दत से जी लेना चाहिए, मौत को टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इन सब के बाद विनी के पेरेंट्स उसे यहाँ से लिए चले गए। इन सब बातों को 85 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब साल 2000 चल रहा है। टक अब वापस यहाँ पहुँचा है। उसे उम्मीद थी कि विनी उसे यहाँ मिलेगी। अब ये डेवलप्ड टाउन बन चुका है। मैकडोनल्ड्स और स्टारबक्स कॉफ़ी हाउसेस हर जगह हैं।
टक जंगल के उस हिस्से में पहुंचा है जहां वो ट्री हुआ करती थी। यहां पर अब विनी की कब्र है। उसकी कब्र से ये पता चलता है कि विनी ना सिर्फ वाइफ बनी बल्कि एक माँ भी बनी, और 100 साल की एज में उसकी डेथ हो गई। टक विनी की याद में इमोशनल होता है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड पर।